आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी की कमान अब जेपी नड्डा के हाथ आ गई है। भाजपा संविधान के अनुसार कम से कम आधे राज्यों में सांगठनिक चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इसके हिसाब से अब तक 21 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव हो चुका है और यही कारण है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव जेपी नड्डा के रूप में हुआ। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं और आरएसएस के जरिए पार्टी में जमीनी स्तर पर काम करते आए हैं। नड्डा बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के बाद बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। परीक्षा पर चर्चा के दौरान कई ऐसी बातें निकली जिन्हें गांठ बांध लिया जाए तो कोई परीक्षा बड़ी नहीं लगती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बात की। इस दौरान पीएम ने कहानियों और किस्सों के साथ ही प्रेरक बातों के जरिए बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। बच्चों ने भी पीएम को सहज भाव से सवाल पूछे। कई सवाल तो ऐसे थे जो बच्चे अपने माता पिता या घर के किसी बड़े से भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे। पीएम ने सभी सवालों के जवाब बड़े दिलचस्प अंदाज में दिए। पूरे कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी बातें निकली जिन्हें गांठ बांध लिया जाए तो कोई परीक्षा बड़ी नहीं लगती। मोदी ने कहा, जैसे स्टील के स्प्रिंग को ज्यादा खींचने पर वो तार बन जाता है, उसी तरह माँ बाप अध्यापकों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों की क्षमता कितनी है। किसी चीज में आप विफल हो गए तो उसका मतलब है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अधिकार और कर्तव्य जब साथ साथ बोले जाते हैं तभी सब गड़बड़ हो जाता है, जबकि हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित हैं। जब मैं एक अध्यापक के रूप में अपना कर्तव्य निभाता हूँ तो उससे विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा होती है। मोदी ने कहा, सिर्फ परीक्षा के अंक जिंदगी नहीं है। कोई एक परीक्षा पूरी जिंदगी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यही सब कुछ है ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमने देखा होगा वो स्टील का अगर स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग एक सीमा तक खींचते रहोगे तो उसका उपयोग है, लेकिन बहुत ज्यादा खींच दिया तो क्या होगा, तार बन जाएगा, फिर वो स्प्रिंग का काम करेगा क्या? माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए, टीचर्स ने भी सोचना चाहिए, उनको अंदाज होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट के साथ या जिस बच्चे के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये माँ बाप को टीचर को अंदाज होना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप उसको जानो, जान करके उसको जताओ कि देख तेरे अंदर ये ताकत पड़ी हुई है, तेरे में विशेषता है, तुम इसको क्यों उपयोग नहीं करते हो, देखो कोशिश करो। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज्यादा मिलेगा, जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। मैं रास्ता चुनूंगा प्रोत्साहित करना, हर बालक की शक्ति को उजागर करना, उसको प्रोत्साहित करना, इसी को मैं बल दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, तकनीक हमें खींच कर ले जाए उससे हमें बच कर रहना चाहिए। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं तकनीक को अपनी मर्जी से उपयोग करूंगा। जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं जिसमें सफलता विफलता का मुख्य बिंदु कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गए हैं। उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा, एक बार मार्क्स ले आऊं। हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल हो गए तो उसका मतलब है कि आप अब सफलता की ओर चल पड़े हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल के बीच कांग्रेस इस मामले पर कुछ सतर्क हो गई है। अब तक विपक्ष इस कानून को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस भी इसे काला कानून बताते हुए विरोध कर रही है। इस बीच अब देश की संसद में पास हो चुके इस कानून को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ होती नजर आने लगी हैं। संसद में पास हो चुके कानून को लेकर पार्टी के भीतर ही अलग अलग राय सामने आई हैं।
कांग्रेस में कानून के विशेषज्ञ नेताओं ने कानून के विरोध को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस के आला नेताओं कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद के बाद अब भूपेन हुड्डा का हालिया बयान भी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाला है। सूत्र बताते हैं कि कानून के जानकार कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक को बता दिया है, कहीं फिजूल के विरोध के कारण हमें अपनी कुछ राज्य सरकारें ना गंवानी पड़ जाएं। इसके बाद इस मसले पर कांग्रेस को सतर्क हो गई है। सीए को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी विरोध के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन हुड्डा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की संसद में अगर एक बार कोई कानून या एक्ट पास हो जाता है तो संवैधानिक तौर पर मैं सोचता हूं कि कोई भी राज्य को इसे लागू करने से ना नहीं कहना चाहिए और वह ऐसा कर भी नहीं सकती, हालांकि इसके कानूनी पक्ष को जान लेना चाहिए। इससे पहले केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए कपिल सिब्बल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कोई भी राज्य नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है। संसद में कानून पास होने के बाद अगर कोई राज्य इसे लागू करने से इनकार करता है तो यह असंवैधानिक होगा। हालांकि राज्य इसका विरोध कर सकते हैं और विधानसभा में इसके खिलाफ संकल्प पारित कर सकते हैं। कपिल सिब्बल के सीए को लेकर बयान देने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस कानून की संवैधानिक स्थिति संदेहास्पद है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो ये कानून की किताब में कायम रहेगा और इसके चलते उसे सभी को मानना पड़ेगा। इन नेताओं के इस इशारे के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गई है और अब सीए पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। All states are unhappy with the CAA and the NRC and the National Population Register. That's a message that is being sent. I wish the Union of India hears that message. But at another level, the NRC is based on the National Population Register. Correct. And the National Population Register is to be implemented by the local registrar. And the local registrar has to be appointed at the level of the community in which that enumeration is to take place. And those have to be state-level officers. Exactly. So what is being said is that we will not allow the state-level officers to cooperate with the Union of India. छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और बड़े नेता रहे हैं, लेकिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। इसलिए नेहरू युवा केंद्र की जगह इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर होना चाहिए था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को सदैव आदर्श माना है। सोच रही थी कि ये नेहरू युवा केंद्र की जगह, क्योंकि विवेकानंद युवा केंद्र होना चाहिए था, क्योंकि विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दिया था। और मेरा सुझाव है कि अगर ये नेहरू जी, मतलब नेहरू तो हमारे बड़े महान वो थे ही, देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी। भोपाल में दिया राज्यपाल अनुसुईया उइके का यह बयान राजनीति में हंगामा खड़ा जरूर करेगा। उइके राज्य संग्रहालय में आयोजित नेहरू युवा केंद्र के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। ब्यावरा में सीए के समर्थन में रैली निकालकर बीजेपी नेताओं और आम लोगों को कलेक्टर निधि निवेदिता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। कलेक्टर ने भारत माता की जय बोल रहे बीजेपी नेताओं को तमाचा मार दिया। उसके बाद हंगामा हो गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों को धक्के भी मारे। पुलिस ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पर रैली निकाल रहे लोग भड़क गए और पुलिस से झूमा झटकी की। ऐसे में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस मामले में कलेक्टर की गलती साफ साफ नजर आ रही है। पुलिस के काम में घुसकर कलेक्टर ने वहां माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया। कलेक्टर से कैसे चूक हो गई ये इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। निधि निवेदिता ने जैसे ही भाजपा के मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने को थप्पड़ मारा तो वहां का माहौल खराब हो गया। इससे रैली में शामिल लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने लोगों को पकड़ना शुरू किया तो भगदड़ मच गई। लाठी चार्ज में दो कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर
प्रिया वर्मा ने भी एक कार्यकर्ता को पकड़कर दो थप्पड़ जड़ दिए। ऐसे में एक युवक ने डिप्टी कलेक्टर के बाल खींच दिए। इन दोनों महिला अधिकारियों के व्यवहार ने स्थितियों को बिगाड़ दिया। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में 12 नामजद सहित 124 पर धारा 188 का प्रकरण दर्ज कर दिया। वहीं डिप्टी कलेक्टर से अभद्रता करने के मामले में 2 अज्ञात युवकों पर छेड़छाड़ और शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। इस सब के बाद ये अधिकारी और कमलनाथ सरकार बीजेपी के निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर आज ब्यावर और राजगढ़ में वहाँ के जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, विशेषकर महिला कलेक्टर ने, जिस तरह से CAA के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, बाल पकड़ पकड़ के कार्यकर्ताओं के लिए घसीटा, महिलाओं को घसीटा, अपने आप में अभूतपूर्व उदाहरण मध्य प्रदेश में है। मैं अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह सरकार की इस तरह की भक्ति करना छोड़ दें, अन्यथा आने वाले वक्त में जब भी बदलाव होगा वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार की सरकार की भक्ति करना किसी भी नियम और कानून में नहीं लिखा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये वक्त एक जैसा सभी का नहीं रहता है, पता नहीं किस दिन बाजी पलट जाए, और इस कारण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिकारी इस बात को समझें। मैं समझ रहा हूँ कि ऊपर से जब उनको घुटना टेक करने के लिए कहा जाता है तो वो रेंगने लगते हैं। इस प्रकार के रीढ़ विहीन अधिकारी, मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि किसी पार्टी के न समर्थक होते हैं और न किसी के मददगार हो सकते हैं। कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से वह अपने अधिकारियों को दमन की कार्रवाई करने से रोके। राजगढ़ में शांति मार्च निकलना था इस कानून के समर्थन में, उनको उन्होंने अनुमति नहीं दी, और जब लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर के कैंपस में एकत्रित होकर और भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू किए, तो वहां की कलेक्टर निधि निवेदिता को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारा। आखिरकार प्रदेश और देश जानना चाहता है कि भारत माता की जय बोलना कब से गुनाह हो गया। क्या वजह है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने पे आप थप्पड़ मारती हैं? देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा प्रशिक्षण देश के किस विश्वविद्यालय में मिलता है जहां भारत माता की जय बोलना गुनाह है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह प्रशिक्षण कहीं वहीं का तो नहीं है। और उसके साथ साथ इनकी डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा वो कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारती हैं। बीजेपी ने कहा कि CAA के समर्थन में निकाली जाने वाली रैली पूर्व नियोजित थी। इसे रोकने के लिए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगाकर ब्यावरा की सीमाएं सील कर दी थी। बाजार बंद थे। वैष्णो देवी मंदिर से रैली की शुरुआत के लिए सुंदरकांड चल रहा था, तभी कलेक्टर और SP पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। लोग बाहर निकले तो कलेक्टर निधि निवेदिता ने गेट बंद करना चाहा। पूर्व विधायक अमर सिंह यादव को कलेक्टर ने पकड़ लिया, लेकिन वे छूट कर आगे बढ़ गए। पूर्व मुख्य सचिव KS शर्मा ने कहा कि कलेक्टर का इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, भीड़ को कंट्रोल करने का यह तरीका गलत है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। सीधी में भारतीय जनता पार्टी ने CAA के समर्थन में रैली का आयोजन किया। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आमजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली की अगुवाई सीधी सांसद रीति पाठक, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, विधायक शरदेंदु तिवारी व जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने की। लोगों ने 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर शहर में रैली निकाली और भारत माता के जयकारे लगाए। इस दौरान सांसद रीति पाठक ने कहा कि समान नागरिकता संहिता को पूरे देश में लागू करना केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लागू होने के बाद से विदेशों में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं को भी यहां आने पर नागरिकता का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही ऐसे हिंदू जो कई वर्षों से शरणार्थी बनकर देश में रह रहे थे उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि CAA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक की नागरिकता को खतरा होगा। यह अवश्य है कि कांग्रेस और विपक्ष इस मामले में लोगों को गुमराह कर रहा है, जिससे सभी को सचेत रहने की जरूरत है। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का अधिनियम है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के आए हुए शरणार्थी
जो हमारे देश का आजादी के पहले कहीं ना कहीं हिस्सा थे और वो अल्पसंख्यक के रूप में जो माने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें नागरिकता प्रदान करने का अधिकार और कर्तव्य ये दोनों हमारे देश की सरकार का है। वो हमारे देश की सरकार हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा सीए एवं एनआरसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। हकीकत यह है कि सीए एवं एनआरसी देश के सभी लोगों के हित की रक्षा करती है और इससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यह राष्ट्र प्रेमियों का कानून है, राष्ट्रभक्तों का कानून है और देश को मजबूत करने का कानून है। कांग्रेस का दोहरापन है, वामपंथियों का दोहरापन है, ये दोहरेपन की बात कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी नहीं बचेगी, बढ़ेगी और हर सरकार का यह दायित्व तो है कि जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उनकी मानवता की रक्षा की जाए। मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार यही कर रही है। नगर पालिका किरंदुल के नगर पालिका ग्राउंड में 6 जनवरी को बाकायदा दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा और जगदलपुर के विधायक रेखचंद्र जैन की उपस्थिति में कांग्रेस के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो चुका था, मगर मंत्री जी के ईगो के मद्देनजर यही कार्यक्रम फिर एक स्कूल के बगल में कराया गया। इस दौरान प्रशासन ने मंत्री की चापलूसी में सारी हदें पार कर दी। स्कूल में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही थी, लेकिन मंत्री और प्रशासन को इससे क्या, अधिकारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूके। जहां 10वीं और 12वीं के छात्रों को शोरगुल के बीच परीक्षा देनी पड़ी, तो वहीं दूसरी ओर 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द करा दी गई। छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव विधानसभा के नवे गांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी विजय सोलंकी का तबादला किया जाना सरकार की माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में पदस्थ एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जो अपने बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया हो और जिनको सीएम कमलनाथ ने स्वयं सम्मानित किया हो, उसका तबादला 10 महीने के कार्यकाल में क्यों किया गया, ये सोचने को विवश कर रहा है। थाना प्रभारी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रहे थे, जो कि रसूखदार और नेताओं को अच्छा नहीं लगा, जिसकी कीमत उन्हें अपने स्थानांतरण से चुकानी पड़ी। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने स्वयं अपना मोबाइल नंबर आम जनता को दे रखा था और कोई भी परेशानी होने पर उन्हें कॉल किया जा सकता था। पुलिस और लोगों के बीच में पब्लिक रिलेशनशिप बहुत कम हो गया है, जिससे आपकी सोर्स बिल्डिंग नहीं हो पाती, मुखबिर आपके बन नहीं पाते। वहीं से शुरुआत से मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मैं जहां भी पोस्टिंग रही या जहां भी थाना प्रभारी बनूंगा, वहां पे इस प्रकार के कुछ कनेक्शन डेवलप करूंगा पब्लिक के साथ में। और इतना आसान तरीका हुआ कि वो मुझे तुरंत किसी भी अवैध गतिविधि की उनके पास खबर आती है या वो देखते हैं तो सीधे फोन लगा सके, जिससे कि त्वरित कार्रवाई की जा सके। 10 महीने का जो पूरा कार्यकाल हुआ है, यहाँ पे वैसे बड़े अपराध नहीं होते हैं, थाना क्षेत्र बिल्कुल शांत है। हम लोगों ने सोशल पुलिसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, पब्लिक के साथ लोगों के कनेक्शन अच्छे हों, बच्चों के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो पुलिस के साथ व्यवहार अच्छा हो, उनको थाने में आने में झिझक ना हो और पुलिस के प्रति उनकी एक अच्छी सोच बने, क्योंकि हमेशा से पुलिस की एक इमेज नेगेटिव बनती आई है वर्षों से कि पुलिस भ्रष्ट है या पुलिस कोई काम नहीं करती, पुलिस डंडे चलाती है, पुलिस मारती है। तो हमारा यही प्रयास रहा है पिछले 10 महीने में कि हम लोग लोगों से कनेक्ट रहें और लोगों की समस्या आसानी से सुलझा सकें। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी विजय सोलंकी अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार खुद रक्तदान शिविर का आयोजन कराया ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। स्कूल में बच्चों को कानून और नियम की जानकारी दी। गरीब और असमर्थ बच्चों की हमेशा वे सहायता करते रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों ने भोपाल के मॉडल स्कूल में एलुमिनी मैराथन दौड़ 2020 का आयोजन किया। घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया, जिसके बाद मंत्री पीसी शर्मा के साथ देश के कोने कोने से आए जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने दौड़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे पहले छात्रों ने वार्म अप सेशन का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने डांस कर खुद को दौड़ के लिए तैयार किया। इस दौरान नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल पूर्व मिस दिल्ली और रेलवे महिला विंग की प्रेसिडेंट अंशुल भटनागर के साथ मध्य प्रदेश की पर्वतारोही और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार विशेष तौर पर मौजूद रही। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आयोजन की सराहना की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार हुआ, आज नवोदय स्कूल के बच्चे सभी जगह अच्छा कार्य कर रहे हैं। रेलवे महिला विंग की प्रेसिडेंट अंशुल भटनागर ने बताया कि वो भी नवोदय की स्टूडेंट रह चुकी हैं और उन्हें यहां आकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इस स्कूल का कंसेप्ट ही है
कि पूरे देश में इंटीग्रेशन कैसे हो। एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में पढ़ने जाएं, वहाँ की संस्कृति को सीखें। और मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनका कंसेप्ट ये था, दूरदर्शिता थी कि इस देश को कैसे इंटीग्रेटेड रखा जाए। और जो प्रजातंत्र यहाँ पर है, जो यहाँ का संविधान है, ये अपने आप में एक ताकत है। और इसको ये इस तरह के इंस्टीट्यूट और ताकत देते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने पूरे देश से ये लोग आज भी नवोदय स्कूल और अपने एलुमनियों को मानते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं। इन सबको बधाई, शुभकामनाएं, और ये मैराथन सब जीतें, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी पहल है ये स्वास्थ्य के इससे भी, और जो नवोदय के स्टूडेंट इकट्ठे होके सबके लिए ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसमें मंत्री जी का बहुत योगदान रहा है, जिनके साथ दौड़ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। कार्यक्रम में सभी पूर्व छात्रों ने अपना परिचय दिया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव बांटे और किसी भी परेशानी में एक दूसरे से जुड़े रहने की बात कही। इस मौके पर नवोदय के छात्रों ने कहा कि पूर्व छात्रों से मिलकर पुराने दिन याद आ गए। छात्रों ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवोदय के छात्रों को एक दूसरे से जोड़े रखना है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कार्यक्रम में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का नारा दिया गया। और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए मेरा जो भी प्रयास किया गया कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अच्छे किया गया। और हमारी टीम जागृति जो है ना, लास्ट ईयर भी किया था और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग इस प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से करेंगे। और हमारा प्रयास रहा है कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के सहयोग से इस मैराथन और देव दर्शन में आप आए, इस कड़ाके ठंड में, झीलों की नगरी में, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। जैनवी मीट के लिए आए हैं, यहाँ पे एलुमिनी मीट हो रही है, तो मैराथन के लिए, रन नवोदय रन के लिए। ये एक इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोग को हमारी एकता प्रदर्शित करनी है। ये नेशनल मीट है, नेशनल नवोदय मीट, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो है स्टूडेंट्स और बड़े भैया दीदी लोग जो बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ में, वो भी आए हैं। तो मेन चीज़ मैराथन नहीं थी कि मैराथन है, मेन चीज़ मीट थी, जैसा उसने बोला कि सबसे मिलना और बात करना, कौन क्या कर रहा है सबसे, और उनकी राय लेना, उनकी बात सुनना, वो कनेक्शन वो फिर से फील करना था। इसलिए मेन तो ये है कि सबसे जुड़ना आपस में, बहुत साल बाद हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती रहती है ना। वो एक स्कीम की बहुत अच्छी स्कीम है ये कि एक दूसरे से मिलते रहते हो आप, और आपके अलुमनाई से आप बहुत कुछ सीखते हो। सिंस वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, तो हमें बहुत कुछ सीखना है, तो हम इंस्पायर कौन करेगा, ऐसे कोई गाइड नहीं कर देता है। बट नवोदय एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे आपको कहीं भी चले जाओ आप, मतलब किसी भी नवोदय से हो, एक फैमिली अलग कनेक्शन होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो बस ये कनेक्शन के लिए हम लोग आज जवाहर नवोदय विद्यालय ये जो एलुमनी मीट, मैराथन और उद्योग दर्शन यहाँ भोपाल में कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और नेशनल इंटीग्रेशन। आज हमारे समाज में एकता की बहुत आवश्यकता है जो देश में हो रहा है, इसलिए हम लोग संदेश दे रहे हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, कि एक होकर रहें। ग्वालियर में पुलिस ने आंदोलन करने जा रहे NUCI के महासचिव सचिन द्विवेदी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन सभी को पुलिस स्टेशन ले आई। पदाधिकारियों के थाने लाए जाने की खबर लगते ही NUCI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय थाना परिसर में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच विश्वविद्यालय पुलिस इन पदाधिकारियों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। विश्वविद्यालय पुलिस के मुताबिक NUCI के प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी का बॉन्ड ओवर उल्लंघन मामले में वारंट था, इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी बाउंड ओवर की कार्रवाई है वो चल रही है वैधानिक। अभी हमने किसको, सचिन को केवल यहाँ लाया है, बाउंड ओवर के उल्लंघन की कार्रवाई है, कार्रवाई चल रही है। हंगामे के बीच वहीं 5 अन्य कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट में छोड़ दिया गया, लेकिन NSUI के कार्यकर्ता सचिन द्विवेदी को रिहा करने की मांग पर कार्यकर्ता अड़ गए और कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करने लगे। NSUI महासचिव सचिन द्विवेदी का कहना है कि विश्वविद्यालय की कुलपति के इशारे पर पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, जबकि वह शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे थे। सचिन द्विवेदी हैं, ये NSUI के पदाधिकारी हैं, इनको पहले बॉन्ड ओवर किया था 90 महीने में, 1 वर्ष के लिए कि सदाचार के लिए, और इनके द्वारा फिर धरना प्रदर्शन किया गया। तो आज पुलिस ने CRPC 122 में जो है इस्तगासा पेश किया और उसके आधार पर इनका जेल वारंट बनाया गया। सिवनी में
लखनादौन के समनापुर में भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स की थोक दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने बताया कि 8 एवं 9 अक्टूबर 2019 की दरमियानी रात चोरों ने गुटखा विक्रेता के गोदाम में चोरी कर 63 लाख रुपए चुरा लिए थे। इतनी बड़ी चोरी पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से इस चोर गैंग को पकड़ा और इनके पास से 33,83,500 रुपए नगद और एक एक्टिवा, एक कलर टीवी तथा लगभग 10,000 रुपए कीमत की 63 चांदी के सिक्के जब्त किए गए हैं। अक्टूबर में दशहरे के दिन की घटना हुई थी, जिसमें दशहरा था लखनादौन में और वहाँ पे एक गुटखा कंपनी के जो वहाँ पे कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे चोरी की वारदात हुई थी। तब से ही पूरी टीम, जिले से स्पेशल टीम बनाई गई और पूरी टीम लखनादौन थाने की SDOP लखनादौन के निर्देशन में काम कर रही थी। कुछ लड़के हैं सिरमंगी गांव के और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, क्योंकि उनके रहन सहन में, उनके खर्चे के पैटर्न में कई बदलाव देखे गए थे। बारीकी से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस की टीम को अभी तक करीब करीब 36 लाख की रकम इसमें बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। करीब 8 से 10 लाख की रकम और हमको ऐसा सूचना मिली है कि इन लोगों से रिकवरी होगी। चोरी की इस घटना में साइबर सेल की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस को अभी इन आरोपियों से लगभग 10 लाख रुपए और मिलने की उम्मीद है। पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। सिगरौली में बैठन के तकरीबन 3 दर्जन से अधिक आदतन अपराधियों, निगरानी बदमाशों को थाना प्रभारी अरुण कुमार पांडे ने थाने में तलब किया, जहां थाना प्रभारी ने उनकी लंबी क्लास लगाई। परिसर में भारी संख्या में जमा भीड़ लोगों में कौतूहल का विषय बन गई। कोतवाली TI ने अपराधियों को सख्त हिदायत देते हुए अपराधों से दूर रहने की नसीहत दी। साथ ही अपराधियों को शपथ दिलाई गई कि वे अब अपराध नहीं करेंगे। थाना बैठन क्षेत्र के करीबन 3 दर्जन जो आतंक अपराधी हैं, जिनको हमने निगरानी और गुंडा सूची में पूर्व से ही लाया हुआ है, उन सभी बदमाशों की नियमित चेकिंग बतौर तथा उनका डाटाबेस अपडेट करने के लिए उन सभी करीबन तीन दर्जन आतंक अपराधियों को आज थाने पर बुलाया गया और उनका जो फाइलें हमारी हैं उनको अपडेट किया गया। वर्तमान में बदमाश किन गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन पर हम बारीकी से, सूक्ष्मता से निगाह रख सकें। ये अपराध फिर से अपराध की दुनिया में प्रवेश न करें, इनकी सतत रूप से हम जांच पड़ताल कर सकें। उसी जांच पड़ताल के क्रम में आज सभी अपराधियों को थाना बैठन में तलब करके उनकी जांच पड़ताल की गई है। इस दौरान पुलिस ने शातिर अपराधियों और निगरानी बदमाशों के डाटाबेस अपडेट किए, जिसमें उनका खाना पीना, परिवारजनों में कौन कौन है, क्या करते हैं, अपराधियों का किन से मेलजोल है, इनकी दिनचर्या के साथ रोजगार के क्या साधन हैं, अन्य कई बिंदुओं को डाटा फोटो के साथ अपडेट किया गया। टीकमगढ़ के रजन नगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान पर काम कर रहा मजदूर मकान के ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में मजदूर बुरी तरह झुलस गया। लोगों ने मजदूर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने के कारण मजदूर को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले उसी कॉलोनी में एक मजदूर लड़का काम करते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना की जानकारी लगते ही लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और हाई टेंशन लाइन को हटाने के लिए मांग करने लगा। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों से चक्का जाम खोलने की बात कही, फिर भी लोग तैयार नहीं हुए। जब नगर निरीक्षक अनिल मौर्य ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया तो उन्होंने एस्टिमेट बनाकर लाइन को वहां से हटाने की बात कही। तब जाकर मोहल्ला वासियों ने चक्का जाम खत्म किया। ख्वाजा नगर यहाँ एक कॉलोनी है के पास, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि 2 हाई टेंशन लाइन निकली है। अब चूंकि जब हाई टेंशन लाइन निकली थी उस टाइम यहाँ खेत हुआ करते थे, उसके बाद ये कॉलोनी बन गई है और कॉलोनी के नीचे लोगों ने मकान बना लिए हैं। कई लोगों के मकान हाई टेंशन लाइन के नीचे बने हुए हैं। पहले भी करीब 1-2 साल पहले घटना हुई थी जिसमें कि एक हाई टेंशन लाइन से एक आदमी चिपक गया था। आज भी एक हाई टेंशन लाइन के लिए इमरान व्यक्ति जो है, इमरान पिता छिद्दू, उसका मकान बन रहा था, तो उस मकान बनाते समय एक जो मजदूर काम कर रहा था वो मजदूर अचानक हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और जिसके कारण से उसको करंट लगा है, जिसको तत्काल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है।
लोगों का इस बात को नाराजगी थी कि पहले भी एक बार इसका इस तरह का हादसा हो चुका है। हाई टेंशन लाइन को मोहल्ले से हटाने की मांग की गई है, इसमें एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है और उनका कहना है कि हम इसका सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के उपरांत एस्टीमेट शासन को भेजा जाएगा। प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद हाई टेंशन लाइन कॉलोनी से हटकर पीछे खेतों में से निकाली जाएगी। छिंदवाड़ा में परासिया जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत भाजी पानी के मतदाताओं द्वारा सरपंच मनीष यादव के समर्थन में कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया और षड्यंत्रकारी आवेदक के खिलाफ जांच करने की अपील की। मतदाताओं ने कहा कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 का इसमें विरोध है। मतदाताओं का कहना है कि ग्राम के सरपंच के ऊपर षड्यंत्रकारी पूर्व जनपद सदस्य रजनी राय, ललित सूर्यवंशी एवं एसडीओ मनोज बटाबिया की जांच होनी चाहिए। सरपंच ने कांग्रेस द्वारा की गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई की निंदा की और कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से ग्राम के जनसेवकों का मनोबल टूट रहा है, जिसका सीधा परिणाम आने वाले त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव में देखने को मिलेगा। जीत करके सरपंच बनता हूँ और मेरे 5 साल के कार्यकाल में गांव का कोई भी व्यक्ति, 20 पंचों की मेरी वार्ड समितियाँ हैं, मेरे पंचायत में 20 वार्ड हैं और 20 जनप्रतिनिधि वार्डों के हैं, उन सभी को मैंने विश्वास में लेकर के काम किया है। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक जो राजनीति का खेल यहाँ परासी विधानसभा के कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के विधायक, जनपद सदस्य और ललित सूर्यवंशी नामक व्यक्ति कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि इसका मैं मूल कारण बताता हूँ कि आज हमारे ग्राम पंचायत भाजी पानी में पूरी जनता के मन में एक भय का वातावरण है। यदि एक सीधा साधा व्यक्ति समाज के प्रति अच्छे कार्य कर रहा है, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है और यदि ऐसे व्यक्ति को किसी कारण से आरोप सिद्ध करके जेल पहुँचा देंगे तो आने वाले समय में जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इन पंचायतों में गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो पंच बनने को सोचेगा, ना तो सरपंच बनने को सोचेगा, ना तो जनपद बनने को सोचेगा, ना तो जिला पंचायत सदस्य बनने। मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि जो सीसी सड़क का निर्माण कार्य मैंने किया है वो गुणवत्ताहीन है। ग्राम के समस्त मतदाताओं ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत भाजी पानी की उचित जाँच कर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जो लोग भय का वातावरण बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो ग्राम की जनता व मतदाता 3 स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भारत स्काउट गाइड के पंचवर्षीय निर्वाचन की अधिसूचना के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्काउट एवं गाइड छानबीन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी एसके सोनी ने की। इस दौरान छानबीन समिति सदस्य सहित भारत स्काउट एवं गाइड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर छानबीन समिति ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आए आवेदन पत्रों की गहराई से जांच की। बैठक में मध्य प्रदेश राज्य संगठन आयुक्त प्रकाश दिसोरिया ने बताया कि 30 जनवरी को मतदान के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महिला और 3 पुरुष के पद होंगे। इसके अलावा स्काउट और गाइड के अन्य पदों का भी निर्वाचन होगा। जितने भी जिलों में स्काउट गाइड गतिविधियां चलती हैं वो जिला स्काउट गाइड एसोसिएशन के माध्यम से चलती है। जी सर। और टीकमगढ़ में काफी दिनों से निर्वाचित एसोसिएशन काम नहीं कर रही है। जी। तो उनके नवीन 5 वर्ष के चुनाव यहाँ होने जा रहे हैं। जी। और उसी तारतम्य में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, जी, उन्होंने जो नॉमिनेशन दाखिल किए थे उसकी छानबीन यहाँ हुई है और जो वैध नामांकन है उनका प्रकाशन आज हुआ है और आने वाली 30 जनवरी को इसका निर्वाचन होगा। और इस प्रकार से टीकमगढ़ में स्काउट गाइड की गतिविधियाँ विधिवत चुनी हुई एसोसिएशन के हाथों में होगी। जी जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।